टमोसफेयर फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर ट्रोफोस्फेयर लेयर में क्या होता है change, ये सारी जहां हम रहते हैं वो सारी एयर की लेयर हमारी होती है ट्रोफोस्फेयर यहां बारिश स्नोफॉल ये सारी चीजें होती हैं लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर नाउ सेकेंड लेयर इज टेटोस्फेयर इस लेयर में एयरक्राफ्ट्स वगैरह उड़ते हैं पर ये लेयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हमारी ओजोन लेयर होती है ओजोन लेयर से क्या होता है सन में से यूवी रेज निकलती है जो कि हमारे लिए हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है इसलिए ये ओजोन लेयर इन यू वी को हम तक आने तक रोकता है इसलिए ये ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर आजकल पोल्यूशन की वजह से इस लेयर को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है और यूवी रेज हमें हार्म कर रही है इसलिए सब कहते हैं कि पोल्यूशन रोको पोल्यूशन रोको थर्ड लेयर ऑफ अर्थ इज मैसोस्फेयर मैसोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं एल्टीट्यूड जैसे, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वहां का टेम्परेचर कम होता चला जाता है और ठंडक बढ़ती जाती है ये अर्थ से लगभग 50 से लेकर 80 किलोमीटर्स तक रहती है ये थर्ड लेयर होती है एटमोसफेयर की थर्मोस्फेयर हर्मोसफेयर में स्पेस शटल वग़ैरह हमारी ऑर्बिट पे घूमते रहता है अर्थ की और ये 90 किलोमीटर से 500 हंड्रेड किलोमीटर्स तक रहती है अब हमारी फिफ्थ लेयर एंड लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर एक्सोस्फेयर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक दूर रहती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन लेयर ऑफ एयर होती है और ये हमारी अर्थ की एटमोसफेयर की लास्ट लेयर होती है हमारी बहुत सारी गैसेस होती है एयर एक सिंपल चीज नहीं है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है हमारी फर्स्ट मेजर जो गैस एयर के अंदर होती है वो होती है नाइट्रोजन ये सेवेंटी एट पॉइंट जीरो एट परसेंट होती है एयर के अंदर मतलब मेजोरिटी ऑफ एयर हमारी नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन हमारी बर्निंग में कोई मदद नहीं करती है सेकंड मेजर गैस होती है ऑक्सीजन जो कि हम सब इनहेल करते हैं और हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसका मतलब ऑक्सीजन एयर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है ये इसका कंपोजिशन एयर के अंदर होता है ट्वेंटी पॉइंट नाइन्टी फाइव परसेंट ये बर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है जहाँ ऑक्सीजन होती है वहां कोई चीज जल सकती है या वहां आग लग सकती है वरना कहीं और जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पे आग बिल्कुल नहीं लग सकती इसके अलावा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम हाइड्रोजन जिनॉन बहुत सारी गैसेस होती है पर इनकी कंपोजिशन एयर के अंदर बहुत ज्यादा कम होती है पर पोल्यूशन से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है अभी आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सी मात्रा में हमारी एयर के अंदर है और इस पोल्यूशन से ये कितनी बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती जा रही है देखिए कम्पोजिशन ऑफ एयर यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा 78.08 परसेंट ऑक्सीजन 20.95 परसेंट और बाकी के गैसेस कितनी कम परसेंट में है एयर के अंदर दिस वाज द कम्पोजिशन ऑफ एयर नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर फर्स्ट इज एयर ऑक्युपाइज स्पेस सेकंड इज एयर हैज वेट थर्ड इज एयर एक्सर्ट प्रेशर नाउ फर्स्ट इज एयर ऑक्युपाइज स्पेस एयर स्पेस घेरती है अब हमें कैसे पता कि एयर स्पेस घेरती है हम तो कहीं भी नहीं देखते हैं इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है आप एक बलून लीजिए उसे ब्लो कीजिए ब्लो करने में अंदर क्या जा रहा है बलून के एयर जा रही है पर बलून बड़ा हो रहा है बलून बड़ा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एयर स्पेस घेर रही है बलून के अंदर तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हैज वेट आप एक स्ट्रिंग लीजिए उस पर दोनों साइड एक बलून टांगिए एक एक बलून दोनों साइड टांगिए आप उसे बीच से पकड़िए बिल्कुल अब आप देखेंगे कि एक साइड और दूसरी साइड दोनों बिल्कुल सेम वेट की है कुछ इधर उधर नहीं हो रहा है अब आप उसमें से ही एक बलून को ब्लो कीजिए बड़ा कर दीजिए अब उन्हें टांगिए आप देखेंगे कि इस साइड वाला बलून नीचे गिर रहा है ऐसा क्यों होता है क्योंकि एयर हैज़ वेट एयर में वेट है जब बलून में हमने एयर भरी तो वो बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है वो बड़ा हो गया और वो हैवी हो गया इसका मतलब क्या है एयर हैज़ वेट और थर्ड पॉइंट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एयर प्रेशर लगाती है अब ये कैसे पता लगे कि एयर प्रेशर लगाती है आप एक ग्लास भरिए उसके ऊपर गत्ता रखिए और उसे उल्टा कर दीजिए अब थोड़ी देर बाद हाथ अपना हटा लीजिए गत्ता कहीं नहीं जाएगा क्यों क्योंकि एयर नीचे से गत्ते पे प्रेशर लगा रही है इससे हमें पता लगता है कि एयर हैज एन एबिलिटी टू एक्सर्ट प्रेशर दीज वर द्री प्रॉपर्टीज ऑफ एयर नाउ लेट अस रिवाइज वॉट वी इज लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर वी हैव फाइव लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर Now, composition of air. We have many gases in the air. First is nitrogen. Nitrogen has a percentage of 78.08%. Second, oxygen. Oxygen has a percentage of 20.95%. Now, other gases have many percentages like carbon dioxide, helium, hydrogen, xenon, etc. Third, we have learned. Properties of air. First property of air is air occupies space. Second is air has weight. And third is air exerts pressure. These are the topics we have learned today. I hope you have learned something from this video. Thank you everyone for watching this video. Please like, share, and subscribe. And leave your valuable comments. Thank you.